अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां मिशन 2023 में जुटी बीजेपी संगठित और असंगठित मजदूरों को साधने में जुटी है। कांग्रेस आज प्रदेश में मनाएगी मजदूर दिवस। ग्वालियर में दिग्विजय सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं छिंदवाड़ा में नकुल नाथ और इंदौर में रहेंगे अरुण यादव। तो कांग्रेस आज प्रदेश में मजदूर दिवस मनाएगी, संगठित और असंगठित मजदूरों को साधने में जुटी है। भोपाल में मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। कांग्रेस आज प्रदेश में मजदूर दिवस मनाएगी, जिसमें ग्वालियर में दिग्विजय सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहीं छिंदवाड़ा में नकुल नाथ शामिल होंगे इस कार्यक्रम में, और वहीं इंदौर से अरुण यादव जो है मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी जुड़ गए। अमृतांशी, मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है वो 2023 की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुकी है। कल जहां पर उन्होंने ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के साथ एक संयुक्त जयंती बनाई थी, जहां पर पिछड़ा वर्ग और ओबीसी और एसटी एससी समाज के कई लोग शामिल हुए थे, तो आज मजदूर दिवस के दिन कांग्रेस जो है वो संगठित और असंगठित मजदूरों के साथ आज ये दिवस मनाने जा रही है। खास बात मैं आपको ये बता दूं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग बड़े मंत्री पहुँचने वाले हैं और वहाँ जाकर वो मजदूरों के साथ मिलेंगे और मजदूर दिवस बनाएंगे। एक वर्ग को घेरने की तैयारी यहां कांग्रेस पूरी तरीके से करती हुई नजर आ रही है। जहां छिंदवाड़ा में नकुलनाथ कार्यक्रमों में शामिल होंगे मजदूर दिवस के, तो इंदौर में जो ओबीसी चेहरा है अरुण यादव, वो वहां पर शामिल होंगे मजदूर दिवस के कार्यक्रम में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर, जो हम कहते हैं कि सिंधिया का एरिया है, वहां पर खुद दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पर मजदूर दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि 2023 की तैयारी में कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर आ रही है और सक्रिय नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार कांग्रेस जो है वो हर वर्ग के पास जा रही है। कल जहां उन्होंने ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के साथ सम्मेलन में शामिल हुए थे, आज मजदूर दिवस है, तो आज मजदूरों के साथ, असंगठित और संगठित मजदूरों के साथ जो कांग्रेस है वो इस दिवस को पूरा मनाने जा रही है और लोगों के साथ वो मिलकर मजदूरों की जो परेशानियां हैं उनको वो सुनेंगे कि किस तरीके से जो सरकार है वो मजदूरों की मदद नहीं कर रही है। और इसी को लेकर आज कांग्रेस जो है बड़े आयोजनों में, बड़े सम्मेलनों में शामिल हो रही है। मजदूर दिवस कांग्रेस जो है वो हर स्तर पर आज मनाने जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंत्री शामिल होंगे, साथ ही बड़े नेताओं को तो मैंने आपको बताया, लेकिन हर जिला स्तर पर, हर स्तर पर, हर बूथ स्तर पर वो लोग ये मजदूर दिवस मनाने जा रहे हैं और मजदूरों का जो पूरा वर्ग है उसको घेरने की तैयारी कहीं ना कहीं कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हर वर्ग को साधना कांग्रेस का अब यही मिशन है कि सब साथ आकर, सभी बड़े नेता साथ आकर जमीनी स्तर पर उतर कर संगठन को, कांग्रेस को मजबूत करें और लोगों से बातचीत करें। और इसी को लेकर आम जनता से तो कांग्रेस रूबरू होती ही है, लेकिन आज खास मजदूर दिवस के दिन कांग्रेस जो है वो संगठित और असंगठित मजदूरों के साथ मिलकर बिताने वाली है और ये बड़े आयोजन करने वाली है। तो ये देखना होगा कि जहां बीजेपी एक और दलित और आदिवासी वर्ग को साधने की तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी लगातार तैयारी कर रही है, मजदूर वर्ग को वो साध रही है, साथ ही पिछड़ा वर्ग को भी वो साध रही है। तो दोनों ही पार्टियां लगातार लगी हुई हैं। जहां बीजेपी एक और लगातार बैठकों का दौर कर रही है, तो कांग्रेस भी लगातार आज बैठकें करेगी, बैठकों का दौर आगे भी जारी रहेगा। और आज मजदूर दिवस का जो दिन है कांग्रेस बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में बनाने वाली है। जी जी बिल्कुल अमृतांशी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फौरन लौटेंगे।